Dear students, assalamu alaikum. My name is Mohammad Usman and I am your best teacher. Today is 14th December 2020. Day is Monday. Class 7 students, आपको मालूम है unit number 11 कर रहे हैं simple equations. Exercise 11A है और आपके book का page number है 138. Okay? बेटा आपको जैसा पता है दो classes के अंदर भी आपको guide कर रहे हैं कि बेटा questions अब आपको समझा रहे हैं कि questions को solve किस तरह से किया जाता है. बेटा आपको मालूम है साथ साथ होमवर्क भी हम आपको देते हैं. तो बेटा इन वीडियोस से एक आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आप लोग जो है ना होमवर्क करने में अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बेटा ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे. ठीक है बेटा, अब आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे हम, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8. और आपका क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन. आपके पास इक्वेशंस होते हैं, सिंपल इक्वेशंस का मतलब जैसे मैंने डेफिनेशन भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जिसकी डिग्री 1 होती है इक्वेशन की, दैट इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशन. मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 रहा करेगी तो हम सिंपल इक्वेशन कहा करेंगे. तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है ना x, यानी कि इसमें अननोन वेरिएबल x आ रहा है, x की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है बेटा इन क्वेश्चंस में. ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 * 6 - 2x + 4 * 5x - 1 = 0. अब आपने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बेटा बहुत आसान, 3 6 18 माइनस नीचे आ गया, 3 2 6x हो गया, मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20x प्लस माइनस माइनस 4 1 4 = 0. इनको अरेंज किया मैंने, 20x माइनस 6x प्लस 18 और माइनस 4 = 0 आ गया. उसके बाद x में से x को सॉल्व किया, आपको मालूम है इनको माइनस करेंगे 14x आ जाएगा. और ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनको आपस में सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन की वैल्यू आएगा 14 आंसर. प्लस 14 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 14 हो गया, ये 14 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. अब आप क्या करोगे, जी हां, इनको की कटिंग करेंगे, 14 के टेबल से कर दीजिएगा, 14 * 14 = 14. तो माइनस 1 इज द आंसर. तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस 1. आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली है. क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 * x - 5 = -2 * 4 - x. इसको भी आपने क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है. बहुत आसान सा मेथड है, इनके ब्रैकेट्स ओपन कर दें, मतलब इनको सॉल्व मल्टीप्लाई करें, पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 से भी होगा, 3x माइनस नीचे आ गया, 3 5 = 15 = -2 * 4 - 8 - 8 - - +2x हो जाएगा. ठीक है, और आपको मालूम है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जी हाँ, 3x है ये, +2x लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, -2x बन गया, ये -8 था, -15 जब राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो +15 हो जाएगा. आपको मालूम है कोई माइनस वाली वैल्यू जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाती है तो वो प्लस की हो जाती है. 3x माइनस 2x यानी कि x होता है, और इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करें, माइनस प्लस, जी हाँ माइनस, 15 में से 8 गए तो 7, और साइन बड़े नंबर का आता है, प्लस का प्लस इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती. तो बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई, जी हाँ 7. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सीखिएगा बेटा, बहुत आसान है. x/2 - 6 = 8 - 2x/3. अब इसमें देखिए आपके पास कॉमन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है नंबर्स. अब क्या करें, इस 2 और 3 को एलसीएम में लेकर, ठीक है, 2 1 = 2, 3 नीचे आ गया, 3 1 = 3. तो एलसीएम कितना आता है, जी हाँ, को मल्टीप्लाई करने से 6. अब LCM 6 आने का मतलब ये है कि आप 6 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है बेटा, देखिए 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, x/2 - 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, = 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस, और 2x/3 को भी मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 6 से. अच्छा, ऐसा प्रोसेस करने से होगा क्या, अब देखिएगा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी आपके पास. ये देखिए कटिंग करें, 2 1 = 2, 2 3 = 6, इसी तरह 3 1 = 3, 3 2 = 6 होता है. तो ये देखिए ये क्या बन गया, 3x माइनस नीचे आ गया, 6 6 = 36 = 6 8 = 48 माइनस नीचे 2 2 = 4x बन गया बेटा. ये नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन. ये सारा प्रोसेस करने से मैंने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी कर दिया, मतलब फ्रैक्शन को मैंने खत्म कर दिया. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, 3x माइनस 4x लेफ्ट साइड पे होके प्लस 4x हो जाएगा, 48 माइनस 36 उधर जाके प्लस 36 हो जाएगा बेटा. इनको आप ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 7x, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84. अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 उधर जाके क्या होगा बेटा, डिवाइड. अच्छा, 7 के टेबल से हम इधर की कटिंग करते हैं, 7 * 7 = 14, 7 * 14, तो देखिएगा x की वैल्यू
नहीं बेटा, आप आपने करना क्या है बेटा, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि जब आप